आटे के खाली पैकेट से एक DIY बनाऊंगी। पहले तो आप ऐसे अब इसको यहाँ से कट कर दो। इस तरह से ये प्लेन शीट आप काट के तैयार कर लीजिए। देखिए बैक साइड से आशीर्वाद आटा और ये हमारी प्लेन शीट कट के तैयार हो गई है। अब आप इस शीट को अपने किचन काउंटर टॉप पे भी लगा सकते हैं और उसके नीचे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कुछ भी आपका सामान है उसको, जिसे आपको विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको बना सकते हैं। आपका घर में आटा तो सब लेके ही आते हैं और फिर उसको बस पैकेट को काटिए और इस तरह से चल के तैयार कर लीजिए। और कुछ नहीं तो आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे कि कुछ डिज़ाइन बना लीजिए जिससे आपको देखने में भी कुछ अच्छा लगे कि हाँ ये सुंदर सी शीट होगी, इसी को पहचानने में भी आएगी। तो इसके लिए आप एक रेड मार्क का या कोई भी कलर का मार्क से आप इस पे एक कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं जिससे आपको बहुत सुंदर सा दिखेगा। आप साइड से इसको कट भी कर सकते हैं कुछ डिज़ाइन में, जैसे घर से कटिंग कर ली, कुछ एक डिज़ाइन बना लिया है, जैसे कुछ अगर आपको करना है तो आप इस वे में भी इसको थोड़ा कट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन नहीं चाहें तो आप सिंपल की शेप को रख सकते हैं। इसको आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ प्लास्टिक शीट की ज़रूरत होती है, किसी भी अलमारी में या किसी भी जगह टेबल पर भी लगा सकते हैं। छोटा टेबल है इस साइड से बना, एक सुंदर सा लग रहा है। देखने में भी अच्छा लग रहा है, ये पहचान भी हो पाएगा कि ये अपने क्या है। ये देखिए अब ये रेडी होगी, देखने में सुंदर लगेगी। अब आप इसको किसी भी जैसे टेबल के ऊपर, स्टडी टेबल हो, उसके ऊपर बिछा सकते हैं या फिर किचन के काउंटर टॉप पे भी इसको रख सकते हैं। लाइक गाइस, तो अगर आपको ये मैंने इसे अपनी अलमारी के ऊपर प्लेस कर दिया है, देखिए सुंदर लग रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा DIY पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।